आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे आप लोग को भी समझना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक ये है कि YouTube के बारे में कुछ बात करूंगा मैं आपसे, और इसलिए बात करना चाहता हूं कि यार अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत पड़ती है इसमें और किन किन बातों का मुझे लोगों का फेस करना पड़ता है, लोग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या सुनाते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। ऐसे ही एक हमारा दोस्त है यूपी टू गोवा, उसके चैनल का नाम है, बेचारा 3 साल से यूट्यूब पर लगातार मेहनत कर रहा है, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि हम बता नहीं सकते हैं। ये एक यूट्यूबर ही समझ सकता है, दूसरा तो नहीं समझ पाएगा। अभी हाल ही में वो गोवा से आया था गांव, चैनल उसका 2 महीना पहले मोनेटाइज हुआ था, उसके बाद में उसका जो एडसेंस पिन है, एडसेंस पिन के लिए उसे अप्लाई करना था। बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, इसलिए समझ नहीं पाता है कि कैसे क्या करें और हम किसके पास जाएं। वो वहाँ से 5,000 रुपये खर्च करके, यानी उसका आना और जाना जो है 5,000 रुपये खर्च हुआ सिर्फ एक एडसेंस पिन अप्लाई करने के लिए। अगर वो जानकार होता और जानता तो वहाँ से यहाँ क्यों आता करीब 2,500 किलोमीटर चलकर, और उसका वो काम भी हमने करवा दिया, उसका एडसन के लिए अप्लाई भी कर दिया, आ जाएगा 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में। वैसे तो इसका टाइम 4 मंथ का होता है, अगर 1 महीने में नहीं आया तो रीअप्लाई करिए, 2 महीने में नहीं आया तो रीअप्लाई करिए, 3 महीने में नहीं आया तो रीअप्लाई करिए, लेकिन जब 4 महीना आता है तो आपको रीअप्लाई नहीं करना पड़ता है, आप अपने किसी आईडी प्रूफ के प्रूफ से उसको वेरीफाई करेंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी। इत्तेफाक से बंदा अभी परसों घर से गया है गोवा के लिए, मुंबई पहुंचने के बाद में उसने मुझे कॉल किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, किसी ने मुझे एक नहीं दो दो स्ट्राइक दे दिया है, यानी कॉपीराइट स्ट्राइक, यानी अगर तीसरा स्ट्राइक आ जाए तो शायद चैनल ही टर्मिनेट हो जाए। अब समझ लीजिए कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। यूट्यूब आप जानते हैं क्या है और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो लालन पोषण, यानी पैदाइश से लेकर और जवानी तक के करते हैं, तब जाकर वो कहीं पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अपने पैर पर खड़ा हो पाता है। अब चाहे वो 10 रुपया कमाए, चाहे वो 10,000 कमाए, ऐसे ही YouTube को ही समझ लीजिए कि जब हम चैनल क्रिएट करते हैं तो भाई साहब एक सब्सक्राइबर गेन करने में हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे कैसे कॉन्टेंट दिमाग में लाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, लोगों को दिखाने पड़ते हैं। अगले के अगर समझ में आया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नहीं तो इग्नोर कर देगा, ये यूट्यूब वाला ही समझ सकता है। भाई साहब 3 साल के बाद में जब उसका चैनल मोनेटाइज हुआ, एडसेंस पिन भी अप्लाई हो चुका, किसी भाई साहब ने उसको एक नहीं दो कॉपी राइट स्ट्राइक दे दिया, यार जब मैंने सुना तो मेरा भी दिमाग घूम गया कि बताओ इतना नहीं समझते हैं, किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक देने से उसका कैरियर खराब हो जाएगा, किस तरह से कैसे उसने वो यहाँ तक पहुँचा है हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। तो प्लीज़ यार भाई, अगर मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप हमारी बात को समझें और अपने दिमाग में रखें कि किसी को यार कॉपीराइट स्ट्राइक मत दीजिए यार, कि जिससे उसकी करियर खराब हो जाए, और उसकी गलती क्या है जो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मिला। वो गोरखपुर गया था और गोरखपुर वीडियो शूट किया, उसके बाद में एक छोटी सी क्लिप किसी के वीडियो में से उसने ले लिया,
हर यूट्यूबर चाहता है कि हम जो भी वीडियो शूट करें, जो भी वीडियो बनाएं, सबसे बेहतर बनाएं, सबसे अच्छा बनाएं कि जिससे हमारा वीडियो चले, लोग पसंद करें, देखें। ऐसा ही इसने भी किया था और बेचारे का किसी ने पूरे 7-8 महीने के बाद में उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया। अगर भाई साहब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक पहुंचता है, या और जितने भी यूट्यूबर भाई हैं वो अगर वीडियो हमारी देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार किसी को ये मत कहिए, उसको नसीहत दे दीजिए, उसको मैसेज कर दीजिए, उसको मेल कर दीजिए, या किसी तरह से उससे कॉन्टेक्ट कर लीजिए और उसको आगाह कर दीजिए कि भाई साहब ये आप गलत कर रहे हैं, हमारा कंटेंट चुरा कर आप अपने कंटेंट में लेकर अपलोड करते हैं वीडियो, ये गलत है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए भारी मुसीबत आ जाएगी, हम नहीं देंगे तो कोई और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, तो ऐसा आप ना करें। ये एक समझ लीजिए कि नसीहत उसको मिल जाती है, वो आइंदा के लिए अपने दिमाग में बात को बैठा लेता है और गलती करने पर वो सोचता है कि हम ऐसा गलती अब कभी ना करें। ये सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ भी एक ऐसा ही हुआ था, हम भी 3 साल से YouTube पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लगन से मेहनत कर रहे हैं। हमारा जो चैनल था अपाची आरडी राइडर, उस पर हमारे 24,000 सब्सक्राइबर थे, हमने इस पर कई बार वीडियो बनाया है और किसी ने हमारा चैनल हैक कर लिया, और जिसने हैक भी किया वो पाकिस्तानी था। हमने उससे इतना रिक्वेस्ट किया, इतना उससे हमने कहा कि भाई प्लीज़ यार मेरा चैनल वापस दे दे, मुझे दे दे, लेकिन उसने एक भी ना सुनी और चैनल मेरा वापस आज तक नहीं मिला। फिर मैंने उसी दिन एक दूसरा चैनल क्रिएट किया, जब से लेकर आज तक हम अभी मेहनत कर रहे हैं, पूरा मेरा 1 साल होने वाला है ये चैनल, और अभी तक मैं अपने चैनल को मोनिटाइज नहीं करवा पाया हूँ। पता नहीं मुझ में कमी है, हमारे वीडियो में कमी है, क्या है, लोग पसंद नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो दें, आप लोग देखें। और जब ये हादसा हमारे साथ हुआ भाई साहब, हम बता नहीं सकते हैं कि हमारे ऊपर जैसे ये लग रहा था कि पहाड़ टूट गया है, यानी हमारे जो रास्ते थे वो सारे रास्ते हमारे बंद हो चुके हैं, हमारे समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि आखिर में हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मिलें। उसके बाद में हमने बहुत सारी कोशिशें की अपने चैनल को वापस पाने के लिए, यहाँ तक कि हमने ट्विटर पर कंप्लेन किया, यूट्यूब पर हमने क्लेम किया। 2 महीने के बाद में जब यूट्यूब से मुझे मेल आया, उसके बाद में उसमें हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए, वो 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन तो बता दिए, लेकिन 3 क्वेश्चन हमने नहीं बता पाया और हमारा चैनल हमेशा हमेशा के लिए वो हमसे दूर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी चाहिए कि यार किसी को ऐसा करने पर हम उसे कॉपीराइट स्ट्राइक ना दें। हम कॉपीराइट दे सकते हैं, कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ यार हाथ जोड़कर कहता हूँ भाई, स्ट्राइक मत दीजिए, स्ट्राइक से उसका करियर ख़त्म हो जाएगा, और किसी का चैनल धोखे से हैक मत करिए जिससे वो परेशान हो जाए और उसके सामने कुछ दिखाई ना दे कि आखिर में वो क्या करे, जो मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों यही इतनी बात मुझे कहनी थी आप लोगों से। अगर आप लोगों को हमारी बात समझ में आई हो या हमारी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसा ना करिए और वीडियो को हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए कि कोई भी ऐसा ना करे। तो वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।